हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक बहुत स्पेशल जगह। एंड आपको बताऊँ, पहले बताऊँ कहाँ कि पहले बताऊँ इवेंट क्या है। अच्छा चलिए ये बताती हूँ आपको, सबसे पहले इवेंट क्या है। आज गजलों के बादशाह मखमली आवाज वाले पंकज उदास जी जयपुर आ रहे हैं। आया मजा सुन के? हमें भी बहुत आया था जैसे ही मुझे इनवाइट मिला। और मुझे हमें हमको ये इनवाइट किसने भेजा है? मेरी दोस्त अलका सिंह ने। आज मुंडोता पैलेस एंड फोर्ट्स में आ रहे हैं पंकज उदास जी। और कोविड टाइम्स के बाद आई थिंक ये पहला कोई ऐसा मौका है जब हम बाहर जा रहे हैं इतने बड़े फंक्शन में किसी को सुनने के लिए ऐसे। एंड आई थिंक ये मेरा तो शायद पहला लाइव कॉन्सर्ट होगा जब मैं पंकज उदास जी को ऐसे सुनूंगी, मेरा और धर्मवीर का भी, है ना धर्मवीर जी? Yes, of course. तो जब अलका ने हमें इनवाइट भेजा हम दोस्तों को, तो उसने बोला आप और आपके स्पाउस सादर आमंत्रित है, यू कॉर्डियली इनवाइटेड। तो उसका पूरा भी नहीं शायद पहुंचा होगा, मैंने ऐसे कह दिया अपनी मतलब रजामंदी दी कि हाँ मैं और धर्मवीर आना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज सच एन ऑसम अपॉर्चुनिटी। एक इतना प्यारा चांस है जो मैं खोना नहीं चाहती थी। दूर बहुत है घर से, आपको पता है जगतपुरा टू मुंडोता पैलेस इट इज अबाउट 36 to 40 kilometers, 45 something. लेकिन मैंने सोचा कि ये मौका हाथ से न जाने पाए और हम इस इवेंट को आप तक भी पहुंचाना चाहते थे, तो मुझे ये लगा कि हम चल ही दें। और रास्ता बहुत लंबा है तो आपसे ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती रहूंगी। और चलते हैं मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस, आपको भी दिखाती हूँ, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और कुछ आपको पैलेस दिखाऊंगी, फोर्ट के दर्शन कराऊंगी। आपको पता है मुंडोता फोर्ट 400 इयर्स पुराना फोर्ट है जो मुंडोता गांव में बसा हुआ है। बहुत प्यारा वो पैलेस है मेरी दोस्त अलका सिंह का, तो अक्सर हम जाते रहते हैं वहां पे। और आज तो बहुत ही खास वजह है वहां जाने की, पंकज उदास जी को सुनने जा रहे हैं, उनकी गजलों का लुत्फ लेने जा रहे हैं, और उसके साथ वहां पे डिनर भी है, तो बहुत मजे आएंगे, बहुत सारे दोस्त मिलने वाले हैं आज, स्कूल फ्रेंड्स, यस स्कूल फ्रेंड्स जिनके साथ हमने बचपन में मस्तियां की है, साथ क्लास में बैठे हैं और बड़े प्यारे पल साथ बिताए हैं, तो उनसे आज मुलाकात भी होने वाली है वहां पे। तो चलते हैं मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस टू विटनेस अ ब्यूटीफुल मेलोडियस इवनिंग ऑफ गजल्स बाय नन अदर देन पंकज उदास। अचानक याद आया क्यों ना हम जगतपुरा टू मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस की इस जर्नी में पंकज उदास जी की कुछ गजलें गुनगुना लें। धर्मवीर जी, यस जी, तेरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया श्रृंगार, फिर कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो, मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर। बहुत प्यारी। और ये गजलों का वो दौर था, मुझे याद है कि जब कोई भी पार्टी कोई भी महफिल ऐसी नहीं होती थी जहाँ ये गजलें नहीं चलती हों, और जहाँ लोग ऐसे महफिल जमाते थे, और पापा को तो बेहद पसंद थी इनकी गजलें। एक है वो धर्मवीर जी, वो कौन सी गजल थी वो सबको मालूम है? वो पापा की बहुत फेवरेट थी। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं, सिर्फ एक बार नजरों से
नजरे मिली, सिर्फ एक बार नजरों से नजरे मिली, और कदम झूम जाए तो मैं क्या करूं, सबको मालूम है मैं, फिर भी कोई मिला तो मैं क्या करूं। वाह वाह वाह, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। ये ऐसी इनकी गजलें थी पंकज उदास जी की, बहुत प्यारी और बहुत प्यारी इनकी आवाज में से सुकून देने वाली महफिलों की जान बिल्कुल। और इनका फेस भी एकदम ऐसा ना सौम्य सा, एकदम प्यारा सा ना, एंड एकदम सुकून भरा चेहरा जैसे किसी का होता है ना, बहुत ही प्यारे से इमोशंस इनके चेहरे पे रहते हैं जब ये गुनगुनाते हैं। इनकी आवाज भी ऐसी मीठी मीठी सी, तो बहुत मजा आता है। तो अब तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं। अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, अभी कोई इतना पास नहीं है। और आई थिंक ये त्योहारी डेज है, फेस्टिवल डेज है, यू नो। ये देखिए, वाओ, हा हा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखिए, हम क्रॉस कर रहे हैं बापू नगर। देखिए ब्यूटीफुल डेकोरेशन स्टार्ट हो गए हैं, बस लग रहा है धमाल। ये देखिए, ये देखिए, वाओ, दिवाली की धमाल। यस, तो कोविड के बाद ये शायद बहुत दिनों बाद सबको शायद मौका मिला है, क्योंकि पिछली दिवाली और बहुत सारे तीज त्योहार हमारे बहुत ही बेरंग से बेनूर से गए, तो लोग बहुत खुश हैं अभी। बट ये है कि बस लोगों को बहुत ध्यान रखना है, बच्चों को बड़ों को बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं, कि डिस्टेंस मेंटेनिंग, मास्क लगाना, कई सारी चीज़ें, सैनिटाइज करते रहना और सफाई रखना। सो लेट्स सी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाना, देखते हैं कितना लोग पालन करते हैं। आई थिंक लोग वैसे काफ़ी सतर्क हो गए हैं, देखते हैं। वी कैन जस्ट प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट कि अब भगवान सबको सकुशल रखें और सब बस खुश रहें, हेल्दी रहें सारी फैमिलीज, और ये त्योहार सबके लिए बहुत सारी खुशियां लाएं, और आप सबके लिए भी। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जो ये देख रहे हैं उनके घर में, वो तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि रागिनी मैम का कोई व्लॉग आने वाला है, तो वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उनको मेरे फर्स्ट वाले में बहुत मजा आया, मेरे दोस्तों को भी, बड़ों को भी, एंड वेरी स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए त्योहार बहुत सारी खुशियां लाए और बहुत सारा प्यार बड़ों का, और उनको मिले और बहुत सारी मस्तियां उनके जीवन में फिर से आ जाए। ये देखिए हम कहाँ आ गए हैं, अब हम आ गए हैं हमारे ये अर्जुन, हमारे धनुर्धर। वाह वाह, ये देखिए बहुत सुंदर सजरे हैं, कई जगह तो बहुत ही प्यारी सजावटें हो गई हैं। यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह। और अब हम आ गए हैं रामबाग, रामबाग से हमारी गाड़ी टर्न ले रही है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाओ। और ये हम पहुंच गए मुंडोता फोर्ट। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुंडोता फोर्ट, ये देखिए सुंदर, ये पैलेस का व्यू। अभी आपको और दिखाऊंगी, जब तक ये थोड़ा सा देखिए, राइट। वाओ ब्यूटीफुल, ये पैलेस है पूरा, दिस इज द पैलेस, कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज डेकोरेटेड। वाओ, ये देखिए, हाउ इज इट। और ये मैं हूँ, ये कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल। अब हम आगे चलते हैं आपको लेके, ठीक है, देखते जाइएगा। ओके, कितना सुंदर सजा हुआ है, देखिए। Wow, look at this. That's so lovely. हम दिखाने वाले हैं बहुत प्यारी सी जगह यहाँ पे, और भी फोर्ट के
फोर्ट का व्यू आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और कुछ ही देर में शुरू होने वाला है पंकज उदास जी का ये प्यारा सा कार्यक्रम जिसमें हम दोनों आए हैं, और अभी हमारी दोस्त से भी मिल लिए हैं हम, और भी बहुत सारे दोस्तों से मिले, अभी आपको भी मिलाती हूँ, बट पहले आपको व्यू कराती हूँ फोर्ट का। वाओ, ये देख रहे हैं आप, ये है ब्यूटीफुल सा मुंडोता फोर्ट। ऊपर ये देखिए आकाश में टिमटिमाते हुए तारे, वाओ। और ये बहुत प्यारा सा व्यू, और ये हमारे टेबल पे सुंदर सा बुके रखा हुआ, वाओ। एंड दैट्स द स्टेज वेयर द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी देयर, या कैन यू सी दैट beautiful, yes, wow, so I'm going to show this to you, yes, that's the stage all decked up, and look at that view up there, you can see that fort, the 450-year-old fort, wow, aur ye mere saath baithe hain Dharmveer Bhatia ji, kya kha rahe Dharmveer Bhatia ji? Oh, broccoli. Achha, broccoli. Oh my God. And this beautiful view here. Wow. अब हम सोच रहे हैं कुछ खा लें. क्या खाएं धर्मवीर जी? ये खा लेते हैं कुछ. रात की चोरी. हाँ, ओह. ये क्या चीज़ है भैया? रात की चोरी. हाँ, ठीक है. तो एक है ना रात की चोरी वाला. Wow. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you all. Velocity 48 believes in presenting living legends to you and people who I intensely like. Last when I came in front of Jaipur audience, I got Gulzar Sahab, and this time I bring to you Padma Shri Shri Pankaj Udas Ji. Bouquets and flowers for Shri Pankaj Udas Ji. Thank you very much. And looking forward to a fantastic evening with all of you. Thank you very much. बड़े खुश नसीब होते हैं, हजारों साल एक तू ही धनवान है गोरे, बाकी सब कंगा। हाय, ये आपने देखा ब्यूटीफुल मुंडोता, वाओ। और अब हम चल रहे हैं आपको लेके एक व्यू दिखाने। मजा आया देख के, ये वाओ, लुक एट दिस। और ये मेरे पीछे पंकज उदास जी बैठ के गजलें गुनगुना रहे हैं और माहौल को इतना रुमानी बना रहे हैं, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, वाओ। और ये पैलेस का लुक, ये मेरे पीछे पैलेस, और ये ऊपर है फोर्ट। राज कचौड़ी जैसी चीज खा रहे हैं, दिखाइए दिखाइए जरा, या राज कचौड़ी, ओ वाओ, ये मिठाई, ओ गुड, मेरे लिए इन्होंने मिठाई भी ली है, और ये भी मैं जरूर खाऊंगी, देखिए यम्मी, और राज कचौड़ी, वाओ। तो ये खा के हम जल्दी से घर भागेंगे क्योंकि काफी लेट हो रहे हैं, राइट, चलिए। आपको बहुत मजा आया होगा, एंड आई थिंक
ये बहुत प्यारी सी शाम रही आज आप सबके साथ, और लोता जी मैंने आपको दर्शन कराए, किसी दिन आऊंगी आपको ये पूरा पैलेस दिखाने के लिए। वाओ, ये मेरे फ्रेंड्स भी आ गए हाँ, और हम सबको बाय कर रहे हैं। बाप बाप बाप, यस यस यस, तो ये मेरे सारे दोस्त भी आ गए हैं और हम सबको दिस इज साइनिंग ऑफ, और ये मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट बनने वाला है, जरूर देखिएगा एवरीबॉडी। सो दीज आर माय फ्रेंड्स, सेइंग बाय बाय। एक बार इधर आ जाओ, बोट के व्यू पे आ जाओ। वाओ, सो दीज आर माय लवली बडीज, आ गए सब। आ आ आ आ, ये रहा थोड़ा इधर, ये रहा बोट, ये अब आ गए। सो बाय बाय एवरीवन, वी हैड अ नाइस टाइम हमारे दोस्तों के साथ, और ये धर्मवीर जी राज कचौड़ी खाने में जुटे हुए हैं। सो बाय बाय एवरीवन, लव यू। ये बहुत प्यारा व्यू यहाँ से जो आपको दिख रहा है, देखिए, हाउस दिस, वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। ये एलिफेंट्स है यहाँ, वाओ, एंड लुक एट दिस, और ये बहुत प्यारा एक व्यू है यहाँ, ब्यूटीफुल, दिस इज जस्ट अमेजिंग। वाओ, और ये प्रोग्राम अभी तक चल रहा है, या सुंदर सा प्रोग्राम, और आपको आगे का थोड़ा लुक दिखाऊं, ये देखिए, वाओ, दैट्स द स्विमिंग पूल देयर, ये देखिए इतना प्यारा सा स्विमिंग पूल वहाँ पे, वाओ, लुक एट दिस, और ये और ये और ये पैलेस का व्यू, ब्यूटीफुल। वाओ, इसी के साथ हम निकल चले हैं मुंडोता को बाय बाय करके, और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आज, और पंकज उदास जी को ऐसे सामने से सुना, पद्मश्री पंकज उदास जी को, एंड ही सच अ नाइस पर्सन यार, इतने हम्बल, इतने स्वीट, जैसी आपने इनकी आवाज सुनी है ना, मखमली सी, रेशमी सी, मुलायम सी, ऐसे ही इनकी पर्सनालिटी लगी। सच अ नाइस पर्सन, गॉड ब्लेस हिम विद लॉन्ग लाइफ एंड मेनी मोर म्यूजिकल रिदमिक फुल ऑफ गजल्स मोमेंट्स। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, धर्मवीर और मैंने बहुत मजे किए, और हमने कुछ चटपटी चीजें भी खाई वहां पे, डिनर हालांकि नहीं किया क्योंकि घर लौटना है, बहुत लेट हो रहे हैं, और कृष्ण प्रिया वहाँ हमारा इंतजार कर रही है, अम्मा तो सो गई हैं, और ये शायद पहली बार हुआ है कि हम इतना लेट हुए हैं, कोविड के बाद पहली बार किसी ऐसे प्रोग्राम में गए, एंड आई रियली यू नो व्हाट डिड नॉट वांट टू मिस दिस चांस टू सी पद्मश्री पंकज उदास जी लाइव, तो इसलिए मैंने थोड़ी जिद्दी की थी, हालांकि धर्मवीर को नहीं इतना अच्छा लगा कि हम इतनी दूर ड्राइव करके आए हैं, बट ठीक है, कभी कभी चलता है, कुछ पाने के लिए कुछ दूर भी जाना पड़ता है, तो ऐसे ही हम बहुत दूर आ गए जगतपुरा से, और अब लौट रहे हैं, जल्दी जल्दी घर पहुंचना है क्योंकि बच्चा हमारा इंतजार कर रहा है। आ गए हम कृष्ण प्रिया, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग टू भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसके बाद पता मैं कहाँ चलने वाली हूँ, जयपुर पिंक सिटी की दिवाली धमाल आपको दिखाने, हमारी ब्यूटीफुल सड़कें, हमारे बाजार पिंक सिटी के, तो मैं आपको लेके चलूंगी शहर में, शहर जानते हैं सब, जो पिंक सिटी से एसोसिएटेड है उनको पता है कि जब हम कहते हैं चलो आज शहर चलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा जयपुर, पुराना जयपुर, परकोटा कहते हैं उसको, इनसाइड सिटी जो हमारा ब्यूटीफुल पिंक सिटी है, हमारा बाजार, तो जल्दी आपको वहां लेके चलूंगी, और अभी हम चल रहे हैं घर, और बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव जो आप हमें हमारे ब्लॉग्स को दे रहे हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन, वी लव यू। उसकी कुछ लाइंस गुनगुना कर हम आपसे फाइनली लेंगे विदा, ओके, कौन सी है, व्हिच वन इज दैट, लेट मी जस्ट थिंक, ये बताओ तो कौन सी है, आहिस्ता, नहीं आहिस्ता, और दूसरी चिट्ठी आई है, नहीं चिट्ठी आई है, या दैट्स अ नाइस वन,
वेरी पॉपुलर और ये हमारे सब NRI फ्रेंड्स के लिए राइट, हमारी बहन के लिए भी और आहान सिया के लिए भी और सबके लिए जो हमारे जितने हमारे दोस्त रिलेटिव्स जो अब्रॉड बसे हुए हैं। यस, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। धर्मवीर जी आपका कुछ साथ मिल जाए तो। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। Thank you so much everyone. God bless you all. Thank you for watching this vlog. कैसा लिखा? नहीं, कैसा बनाया हमने? थोड़े से efforts डाले हमने इसमें आपके लिए बहुत entertaining सब बनाने के लिए और उम्मीद है कि आपका बहुत सारा प्यार हमें मिलेगा और बहुत सारे comments और कैसा अच्छा बना सकते हैं इसको वो भी बताइएगा, right? Bye bye. Thank you.